नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तर वासियों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस जैसा कि आप जान रहे हैं भद्राचलम की सैर कर रही है, और पहले भाग में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से भगवान राम का मंदिर वहां पे कैसे बना हुआ है, क्या क्या खासियत है, वो सब आपको जानकारी दी थी पहले भाग में। दूसरे भाग में हम आपको माता सीता के उस मंदिर की को दिखाएंगे, जो कि ऐसी मान्यता है कि जहाँ पे माता सीता द्वारा पर्णकुटी बनाकर भगवान राम लक्ष्मण और सीता द्वारा निवास किया गया था। एक मान्यता यह भी है वहाँ पे कि जो रावण द्वारा माता सीता का हरण किया गया था वो भी यहीं पे हुआ था। तो चलिए आपको दिखाता हूँ माता सीता की पर्णकुटी, या जिसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में पर्णशाला कहा जाता है। गोदावरी नदी के किनारे बहुत ही रमणीय स्थल है। लेकिन सबसे पहले जो नए आए हों सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने हों वो भाई लाइक कमेंट करिएगा और सब शेयर कर देते बहुत अच्छी बात थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भद्राचलम का यह पार्ट टू और माता सीता की पर्णशाला के दर्शन करते हुए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। जय माता दी, सबको एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख। दोस्तों माता सीता के द्वारा निर्मित कुटिया जिसे पर्णशाला भी कहा जाता है, और भद्राचलम से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर लगभग पश्चिम दिशा की ओर है। रास्ता बहुत अच्छा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। दोनों ओर ताड़ी के पेड़ लगे हुए हैं, नारियल के पेड़ हैं, और खेती तो यहाँ की काफ़ी उन्नत है। कारण है कि पास में बना पोलावरम का डैम यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, उसके कारण गोदावरी नदी में भरपूर पानी रहता है और खेती की अवस्था काफ़ी उन्नत है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, पर्णशाला जो है रामायणकालीन है। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ कुटिया बनाई थी और कुटिया बनाकर प्रभु राम के संग काफ़ी दिनों तक यहाँ निवास किया था। एक मान्यता ये भी है कि यहाँ से माता सीता का रावण द्वारा हरण किया गया था। तो काफ़ी मान्यताएँ हैं, तो मतलब जो भी पौराणिक स्थल रहते हैं वहाँ पे तो ऐसी मान्यताएँ रहती हैं काफ़ी सारी, और काफ़ी दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ पे मोटर बोटिंग की सुविधा है, जहाँ बैठकर आप मोटर बोटिंग कर सकते हैं, काफ़ी दूर तक ले जाते हैं मोटर बोट में। और ये बता दूँ आपको एक जानकारी कि ये जो रास्ता जो हम जा रहे हैं ये आगे जाके आपको बीजापुर की ओर ले जाता है। तो अगर भद्राचलम से आप बीजापुर की ओर से आना चाहते हैं तो इसी रास्ते का प्रयोग करके आएँगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पर्णशाला की ओर। दोस्तों हरे भरे लहलहाते खेतों के बीच से हमारी गाड़ी गुजर रही है, काफ़ी सुंदर दृश्य है। मैं आपको बता दूं ये क्षेत्र जो है भारत का सबसे ज़्यादा तंबाकू उगाने वाला क्षेत्र है। साथ ही अभी जो अगल बगल खेत देख रहे हैं मिर्ची के खेत हैं। इस क्षेत्र की मिर्ची काफ़ी फेमस रहती है, जो कि थोड़े बड़े साइज की होती है। पूरे ऑल इंडिया में भद्राचलम की मिर्ची जो सप्लाई की जाती है वो काफ़ी फेमस है। तो मैं आपको बता दूं ये कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गोदावरी नदी पास से बहती है, उसमें भरपूर पानी रहता है पोलावरम डैम की वजह से। अभी आपको दिखाता हूँ, लगभग हम लोग मंदिर तक पहुँच गए हैं, उसके फाटक को पार कर दिए हैं। तो आप देखेंगे अभी कि सामने गोदावरी नदी है जिसमें भरपूर पानी है, खूबसूरत दृश्य है। और लगभग हम मंदिर पहुँच चुके हैं, और मंदिर जो है वो काफ़ी रमणीक है क्योंकि मंदिर के जस्ट बगल से गोदावरी बहती है और काफ़ी लंबा पार्ट है। लगभग 2-3 किलोमीटर लंबी नदी है, मतलब चौड़ी नदी है। और हमारे क्षेत्र में जैसे हम देखते हैं नदियां सक्रिय रहती हैं जो पहाड़ों को काटी हुई हैं, लेकिन यहां पे मैदानी क्षेत्र है, काफ़ी लंबी नदी है, काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। तो चलिए माता सीता के मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या क्या है। పర్ణశాల విచ్చే భక్తులకు స్వాగతం శ్రీరామ మోటార్ గోపిక
दोस्तों, जैसा कि हर तीर्थस्थल या मंदिर में होता है कि मंदिर के अंदर आपको जाने की अनुमति नहीं होती है कैमरा लेके विशेषता, तो यहाँ पे भी है, कैमरा लेके जाने नहीं दिया गया। लेकिन इसके बगल में जो प्रतिकृति नुमा माता सीता के हरण और उनके जो पर्णशाला में निवास के समय के जो दृश्य थे, प्रतिकृति के रूप में मंदिर प्रशासन द्वारा उकेरे गए हैं। तो देख रहे हैं जैसे कि रावण के आने का, माता सीता के हरण के समय के दृश्य हैं। आगे थोड़े दूर में जाएंगे तो भगवान शिव का मंदिर है, जो कि मतलब काफ़ी सुंदर वहां का भी माहौल है। तो चलिए इसे देखते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर इस अपने इस भद्राचलम यात्रा की समाप्ति करेंगे। ये मेरे दो एपिसोड थे इसमें, तो चलिए देखते हैं इस पर्णशाला को विस्तृत रूप से और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने भद्राचलम यात्रा के दौरान दो वीडियो बनाई हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में भगवान राम के मंदिर को दिखाया, पार्ट टू में माता सीता द्वारा निर्मित पर्णशाला को। तो मेरी ये दोनों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और जो नया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी आगे भी। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। और जोर से एक बार जयकारा लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम।